टिक-टॉक बैन। ये कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल अभी 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है और ये दिनों लॉकडाउन के चलते वो घर पर ही था। देश में लॉकडाउन का माहौल खत्म होते ही जैसे सभी को राहत मिल गई हो, इस बार की छुट्टियां राहुल के लिए काफी खुशियों भरी थी, क्योंकि अब उसे रोज रोज की तरह ना ही ट्यूशन जाना पड़ता था और ना ही स्कूल, और राहुल इसी के चलते अपना सारा ध्यान टिकटॉक पर ही लगा कर रखता था। उसके हाथ से फोन ही नहीं छूटता था और उसके घर वाले ये देख कर काफी उदास रहते थे। वो घड़ी घड़ी टिकटॉक पर होने वाली चीजों को देखता रहता और अपना कमरा बंद कर उसमें वीडियो बनाता रहता। एक दिन जब वो रोज की तरह सुबह उठते ही टिकटॉक खोलने के लिए फोन उठा लेता है और उसे चालू करता है, और जैसे ही कैमरा से कुछ रिकॉर्ड करने जाता है, उसे अचानक फोन में एरर नोटिफिकेशन आने लगती है। लाख कोशिशों के बावजूद भी राहुल ऐप को चालू नहीं कर पाता और सारे हथकंडे अपनाने के बाद वो उदास हो जाता है। तभी अचानक हॉल से राहुल की माँ की आवाज आती है। बेटा, बेटा राहुल, जल्दी से इधर आना, कुछ दिखाना है। राहुल तुरंत ही उसकी माँ की आवाज सुन हॉल में पहुँचता है। क्या हुआ माँ? ये देखो बेटा, न्यूज़ पर क्या दिखा रहे हैं? आज ही भारत में 56 चाइनीज ऐप को बंद कर दिया गया है, जिसमें से एक टिकटॉक का भी नाम है। ये देख राहुल बहुत दुखी हो जाता है और एकदम ही निराशाजनक स्थिति में चला जाता है। ऑफिस खत्म होते ही शाम को राहुल के पिताजी लौटते हैं। घर में घुसते ही वो राहुल को एकदम ऐसी निराश स्थिति में देखकर पूछते हैं। अरे बेटा राहुल, क्या हुआ? ऐसे बेजान इस सोफे पर क्यों पड़े हो? वो आज टिकटॉक बैन हो गया। हाँ, मैंने आज पढ़ा इस बारे में, पर बेटा तुम इतने भी दुखी क्यों हो रहे हो? आप नहीं समझेंगे पिताजी, उस टिकटॉक अकाउंट में सब मेरे नए दोस्त, मेरे वीडियोस, मेरे फैंस, सब कुछ उसी में ही तो था। अब जब वो ही नहीं रहेंगे तो मुझे कौन ही जान पाएगा? बेटा राहुल, तुम्हें पता है कि अभी देश के क्या हाल चल रहे हैं? इस समय हमारे देश को हमारी जरूरत है, और वो टिकटॉक एक चीनी ऐप है जिसे और बाकी ऐप्स के साथ सरकार ने बैन कर दिया है। तुम ही सोचो, जिस देश ने कोरोना जैसी बीमारी को इजाद किया और यहाँ तक कि सब जगह फैलाया, उस देश की चीजों को अगर हम भारत में ही चलने दें तो सारा मुनाफा उनकी जेबों में जाता है, जिससे वो लोग हमसे और ताकतवर बन हम पर कब्जा भी कर सकते हैं। टिकटॉक के चलते हुए हमारे देश के नौजवान जैसे कि तुम सब उस ऐप की चपेट में आ गए। याद है कोई आखिरी दिन जब तुमने हमारे साथ बैठकर डिनर किया हो? तुम रोज अपना कमरा बंद रखते थे, यहाँ तक कि हमारी बात भी नहीं हो पाती थी। अगर यही चीज जो कि हमारा समय, जो सबसे कीमती है, यदि वो समय हम इसी चीज में लगाएं जो हमें सच में महान बना सके, ताकि तुम्हारे भी लोग फैन बने, तुम्हारे काम की वजह से जो तुम देश के और खुद के हित में करोगे, वैसे फेमस होना क्या अलग बात होगी। वैसा कुछ काम करने के लिए जब तक तुम्हारा दिमाग इस ऐप से निकलकर खुद को उस कामयाबी के काबिल और श्रेष्ठ बनाने में नहीं लगेगा, तब तक हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा बेटा। तुम लोग ही आने वाले भविष्य की मिसाल बनोगे, और उसके लिए तुम्हें हमेशा अपने देश का साथ देकर और हमारे देश को सबसे काबिल बनाना पड़ेगा। ये पूरी बात सुनकर जैसे राहुल के अंदर जोश उमड़ पड़ता है और वो उसी वक्त ठान लेता है कि अब वो ऐसी कोई और ऐप यूज करके खुद का समय बर्बाद नहीं करेगा, और वो अपने पिताजी से वादा करता है कि वो खुद को काबिल बनाएगा, ताकि वो देश के हित में काम कर सके और देश को अपना मान उसे आगे बढ़ा सके। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें।